खंड सूत्र हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें अंतः विभाजन हम लोग देख चुके हैं। अंतः विभाजन में क्या होता है कि हमारा कोई एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, ठीक है, और P और Q को मिलाने वाली जो रेखा है इसके दोनों के बीच में कोई बिंदु हमारा जो है R है, जो इसको M और N के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। M और N के अनुपात के विभाजित करने का मतलब कि जो PR लंबाई है बटा आर क्यू लंबाई जब करेंगे, जो लंबाई का अनुपात होगा तो वो क्या आएगा, एम अनुपात एन। तो किसी बिंदु ओ के जो है ओरिजिन के सापेक्ष इसका स्थिर सदिश ओ पी हो और इसका स्थिर सदिश ओ क्यू हो, तो ओ आर का स्थिर सदिश हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो बिंदु जो ओ आर का स्थिर सदिश होगा, ओ आर बराबर ये हमारा होता है m इंटू जो रेशियो रहेगा उसके अपोजिट वाला स्थित सदिश, m इंटू ओ क्यू प्लस n इंटू ओ पी, एन इंटू ओ पी अपान एम प्लस एन। तो अगर ओ पी को हम लोग वेक्टर a ले लें और ओ क्यू को वेक्टर b ले लें, तो जो हमारा ओ आर वेक्टर आ जाता है वो m b प्लस n a अपान एम प्लस एन, ये हम लोगों ने निकाला था। अंतः विभाजन का सूत्र है। अंतः विभाजन का मतलब क्या होता है कि जो दिन जो दो बिंदुओं की आप बात कर रहे हैं, जो बिंदु आर है इन दोनों के कहीं बीच में होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन। तो ये हम लोगों का फार्मूला अंतः विभाजन के लिए हो गया। अब दूसरा स्टेप हम लोग देखने जा रहे हैं, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब पहले समझिए, जैसे ये हम लोग मान लेते हैं पी क्यू है, ठीक है, और पूरी लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो है यहाँ से हम लोग मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु R है, यानी ये दूरी कितनी हो गई 6, और टोटल 10 है तो ये दूरी कितनी हो गई 4। तो ये हमारा R दोनों P और Q के बीच में स्थित है, तो अंतः विभाजित कर रहा हो किस रेशियो में, पी आर अपान आर क्यू। तो पी आर लंबाई हमारी कितनी है 6 यूनिट, और आर क्यू हमारा है 4, तो ये क्या हो गया 3:2, यानी पी आर बटा आर क्यू बराबर 3:2, यानी बिंदु R जो है P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में अंतः विभाजित करता है। तो ये अंतः विभाजित का मतलब एकदम क्लियर है। अब देखिए बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ठीक है, वही लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि PQ हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है, PQ हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। अब P और Q को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है इसके बाहर कोई बिंदु R है, इसके बाहर कोई बिंदु R है, और बाहर कोई बिंदु R है, और ये जो दूरी हमारी PR है ये हम लोग मान लेते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे ले लिए तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो P और Q हमारा दो बिंदु था, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली रेखा है उसके बाहर कोई बिंदु R था, इस हिसाब से कि जो PR दूरी था हमारा वो PR हमारा कितना हो गया है 15 सेंटीमीटर PR, और ये जब टोटल 15 है तो ये हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर, या चलिए हम लोग इसको चलिए 5 सेंटीमीटर ही होगा ये, क्योंकि 10 है और ये पूरा 5 होगा। पी आर हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पे हम लोग फिर वही निकालें पी आर लंबाई का आर क्यू लंबाई के साथ रेशियो, तो पी आर हमारा कितना है टोटल 15 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमारा जो है आर क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये अनुपात हमारा क्या आ गया 3:1। तो अब हम लोग यहाँ पे कहें ये अनुपात एक बार अंतः और बाह्य आपको समझ में
आना चाहिए कि बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि बिंदु R P और Q को मिलाने वाली रेखा को P और Q को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में बाह्य विभाजित करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि बिंदु R P और Q को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में 3:1 में बाह्य विभाजित करता है, ठीक है। अब पी क्यू हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो इसको 3:1 में कहीं ना कहीं विभाजित करने वाला एक बिंदु आर इसके अंदर भी होगा, तो पी आर अपान आर क्यू, लेकिन ये क्या, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अंतः बिंदु, अंतः विभाजन है, ठीक है, और ये बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन का मतलब हम लोगों को समझ में आ गया। तो जो सेक्शन फार्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं ये बाह्य विभाजन के लिए, इसको हम लोग लिखेंगे ये स्थिति 2, स्थिति 2 हमारी, ये कौन सी स्थिति है, स्थिति 2 कौन सी स्थिति है, जब आर पी क्यू को बाह्य विभाजित करता है, जब आर पी क्यू को बाह्य विभाजित करता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग फिगर बना लेते हैं, हमारा ये हमारा P था, ये हमारा Q, तो पहले R हमारा इधर था, तो ये R हमारा अब कहाँ पे चला गया, इसके बाहर किसी बिंदु, इसके बाहर कहीं पे है हमारा बिंदु R, और अब रेशियो हमारा क्या है, ये पी आर अपान क्यू आर, ये हमारा क्या है m:n, तो ये रेशियो जब हम लोग लिखेंगे ये, तो ये हमारा m है, और ये जो रेशियो है ये हमारा क्या है n है, और हमारा बिंदु O कहीं पे होगा, हमारा कहीं पे बिंदु O होगा जिसके सापेक्ष इनके स्थित सदिश हो जाएंगे OP, OQ, OR, और OQ को हम लोगों ने वेक्टर B माना था, और OP को हम लोग वेक्टर A मानते हैं, OP वेक्टर A, OQ को वेक्टर B। तो सिंपल सी बात है इसमें, अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे PR, हम लोग क्या लिखेंगे PR, पी आर अपान क्यू आर बराबर m:n, यानी m इंटू क्यू आर बराबर n इंटू पी आर। अब सदिश रूप में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, सदिश रूप में ये हमारा p है, ये हमारा q है, ये r हो गया, तो सदिश रूप में हम लोग पी आर वेक्टर लिखें और क्यू आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनको वेक्टर रूप में हम लोग लिख सकते हैं m इंटू क्यू आर बराबर n इंटू पी आर, क्योंकि इधर जो मैग्नीट्यूड बराबर है और क्यू आर और पी आर की दिशा एक है, तो दोनों को वेक्टर बना देंगे तब भी बराबर रहेगा। अब क्यू आर को हम लोग क्या लिखेंगे, ओ आर माइनस ओ क्यू, ओ आर माइनस ओ क्यू, और n इंटू पी आर को हम लोग क्या लिखेंगे, ओ आर माइनस ओ पी, क्योंकि इस त्रिभुज में अगर आप देखें बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ओ पी आर में, तो हमारा ओ पी प्लस पी आर बराबर ओ आर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट भी लिखना जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर को स्थित सदिश के रूप में लिखना हो, तो जो बाद में होता है उसका स्थित सदिश पहले, माइनस पहले जो लिखा होता है उसका स्थित सदिश, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू ओ आर माइनस m इंटू ओ क्यू बराबर n इंटू ओ आर माइनस n इंटू ओ पी।
अब हम लोग क्या करते हैं, ओ क्यू वाले टर्म को उधर ले जाते हैं और ओ आर वाले, एम ओ आर माइनस एन ओ आर बराबर एम ओ क्यू माइनस एन ओ पी और ए आर यहाँ से कॉमन किए तो हमारा यहाँ क्या बचा, एम माइनस एन इक्वल टू एम ओ क्यू माइनस एन ओ पी। तो यहाँ से हमारा ओ आर हो गया और ओ क्यू ओ पी की जगह ओ क्यू की जगह हम लोग बी लिख देंगे, तो एम बी माइनस एन ए अपान एम माइनस एन। तो ये हमारा हो गया बाह्य विभाजन का सूत्र, एम बी माइनस एन ए अपान एम माइनस एन। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में केवल चिन्ह का अंतर रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है ऊपर नीचे अंतः विभाजन में, बाह्य विभाजन में माइनस हो जाता है। अच्छा अब एक स्थिति हमारी आती है कि ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R। अगर R इसका मध्य बिंदु होगा इसके अंतः, तो ये रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। यानी P और Q को मिलाने वाली रेखा को, खंड को अगर R जो है मध्य बिंदु हो तो ये अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, 1:1। तो जो O का जो स्थिर सदिश ओ आर बराबर हम लोग लिखेंगे, ये A हम लोगों ने लिखा था, ये V, तो ये 1 into B प्लस 1 into A अपान 1 plus 1। तो ओ आर हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस बी बाई ए या B प्लस ए बाई 2। यानी जो हमारा बिंदु P और Q के जो है मध्य बिंदु का, जो मध्य बिंदु जो यानी जो इसको 1:1 के रेशियो में अंतः विभाजित करता होगा, उसका जो स्थिर सदिश क्या होगा, सीधा सीधा A प्लस बी बाई 2। ये हो गया। अब हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं जो हमारा अंतः और बाह्य विभाजन पे बेस्ड होगा। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 हमारा सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थित सदिश OP और OQ हैं। एक ऐसे बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता हो और बाह्य विभाजित करता हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अंतः विभाजन वाला, अंतः विभाजन किसके लिए निकालेंगे। तो फिगर कोई बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बना दे रहे हैं कि दो बिंदु हमारे क्या हैं, P और Q। इससे जो है थोड़ा बाद में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। P और Q है, P और Q के स्थित सदिश यानी OP और OQ हम लोगों को पता है। OP हमारा क्या है, 3a-2b और ओ क्यू हमारा है ए प्लस बी। अब कोई बिंदु आर है जो इसको पी और क्यू को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है, ये बिंदु आर हो गया इसका स्थिर सदिश और अंतः विभाजित करता है 2:1 के रेशियो में। तो जो ओ आर होगा वो सिंपल सा हमारा जो फार्मूला लग जाएगा, ओ आर बराबर ये जो रेशियो रहता है उसके अपोजिट का स्थित सदिश, यानी 2 into OQ प्लस 1 into OP अपान 2 plus 1। तो ओ आर हमारा हो गया 2 into OQ हमारा A प्लस वी है और 1 into OP हमारा है 3a-2b अपान 3। तो यहाँ से हमारा ओ आर बराबर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2a+2b प्लस 3a-2b बाई 3। यहाँ से हमारा ओ आर हो गया, 2b ख़त्म हो गया, 5a/3। यानी बिंदु R का स्थित सदिश जो P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः 2:1 में विभाजित करता है, क्या आ गया, 5a/3। अब हम लोग बाह्य विभाजन का निकालते हैं दूसरी स्थिति।
दूसरी स्थिति हम लोगों की है बाह्य विभाजन, तो समझने के लिए फिगर हम लोग फिर से बना लेते हैं, बाद में डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। ये पी है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, और पी क्यू के बाहर कोई बिंदु आर है जो इसको 2:1 में विभाजित करता है, यानी ये रेशियो हमारा जो हो गया ये रेशियो 2 है और ये रेशियो हमारा 1 है, और कहीं पे हमारा जो है बिंदु O है जिसके सापेक्ष स्थित सदिश दिए हुए हैं और R का स्थित सदिश हमको निकालना है, और OP हमारा है 3A-2B और OQ हमारा है A+B। ठीक, तो जो बाह्य विभाजन का फार्मूला हम लोग लगाएंगे ओ आर बराबर वही हमारा फार्मूला होता है, बस केवल माइनस होता है। तो वहाँ पे क्या था 2 × OQ + 1 × तो यहाँ 2 × OQ, ये 2 है हमारा तो रेशियो ये रहेगा, क्योंकि 1 जो रेशियो है 1 के अपोजिट हमारा क्या पड़ता है OP, तो 1 के अपोजिट OP है तो 2 के साथ कौन रहेगा OQ, 2OQ-1OP अपॉन 2-1। तो यहाँ से हमारा OR बराबर हो गया सिंपल सा 2OQ OP की वैल्यू रखते हैं हम लोग, ये 2A+B-3A-2B/2-1, यहाँ से हमारा OR हो गया 2A+2B-3A+2B/1। तो दिस इक्वल टू हमारा हो गया 2A से 3A गया -A+4B। ये हम लोगों का अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं जो एग्जाम्पल नंबर हमारा 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु A जिसका स्थित सदिश दिया है और B का भी स्थित सदिश दिया है और C का भी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करें, देखिए ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। A बिंदु का स्थित सदिश दिया है, इसका मतलब कहीं पे हमारा जो है ओरिजिन होगा O, उसके सापेक्ष A का स्थित सदिश दिया है OA, उसी के सापेक्ष B का स्थित सदिश हमारा दिया है OB और उसी के सापेक्ष हमारा C का स्थित सदिश दिया है OC। OA हमारा कितना है 2i-j+k, बी का स्थित सदिश OB हमारा क्या है i-3j-5k और सी का स्थित सदिश OC हमारा है 3i-4j-4k। अब हमको ये दिखाना है कि ABC जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, तो समकोण त्रिभुज का जो है क्या क्राइटेरिया होता है कि जो इसमें एक जो बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर अगले दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी हमको क्या चाहिए ABBC भुजा चाहिए, यानी ABBC और CA ये भुजा की लंबाई हमको चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे AB वेक्टर निकालेंगे, BC वेक्टर निकालेंगे और CA वेक्टर निकालेंगे, फिर इस उसकी हेल्प की मदद से AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड और CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे हम लोग। यही क्या होगा AB लेंथ, BC लेंथ, CA लेंथ, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई हमको पता चल जाएगी। तो हमको क्या चाहिए सबसे पहले AB वेक्टर, तो AB वेक्टर ये हमेशा आप लोग याद रखिए कि किसी भी वेक्टर को उसके
बिंदुओं की स्थित सदिश के रूप में निकले के लिए जो बाद वाला होगा बिंदु वो उसका स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश, ये सीधा सीधा तरीका होता है। अब इसको बार बार चाहे आप त्रिभुजों के योग के नियम से भी कर सकते हैं कि इस त्रिभुज में आप ये कहें कि ओ ए प्लस ए बी, क्योंकि ओ ए के अंतिम बिंदु पे ए बी का प्रारंभिक बिंदु है, तो ओ ए प्लस ए बी बराबर पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर, तो ये योग हो जाएगा। यानी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी, यहाँ से फिर ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए ही आएगा, तो यहाँ से ओ बी हमारा रख देते हैं आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के, ओ ए हमारा है टू आई माइनस जे प्लस के, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आई ये माइनस टू आई हो जाएगा, तो आई से टू आई गया तो ये माइनस आई हो गया, ये माइनस थ्री आई और प्लस जे हो जाएगा तो माइनस टू जे, माइनस फाइव के माइनस सिक्स के, यानी ए बी वेक्टर हमारा आ गया ये। तो ए बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लोग सिंपली निकाल लेते हैं, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, तो हो गया अंडर रूट वन प्लस चार प्लस छत्तीस, चार चालीस एक इकतालीस, तो ए बी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ गया अंडर रूट 41। फिर हम लोग बी सी वेक्टर अपना निकाल लेते हैं, बी सी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ सी हमारा कितना है थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के, ओ बी हमारा कितना है आई माइनस थ्री जे माइनस फाइव के, थ्री आई से आई गया टू आई और ये माइनस फोर जे माइनस माइनस प्लस थ्री जे, तो माइनस फोर जे प्लस थ्री जे हमारा माइनस जे हो जाएगा, माइनस फोर के प्लस फाइव के प्लस के हो जाएगा। यहाँ से बी सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, ये अंडर रूट 6 हो गया। ए बी बी सी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब हमको क्या चाहिए सी ए चाहिए, एक और हमको चाहिए सी ए, तो हम लोग सी ए वेक्टर निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी, और ओ ए हमारा क्या है टू आई माइनस जे प्लस के, और ओ सी हमारा है थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के, थ्री आई माइनस फोर जे माइनस फोर के, और ये पूरे के बाहर माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा टू आई माइनस जे प्लस के माइनस थ्री आई माइनस माइनस प्लस फोर जे माइनस माइनस प्लस फोर के, ये माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के। अब सी ए वेक्टर हमको मिल गया, सी ए की लंबाई हमारा हो जाएगी आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, वन नौ पच्चीस, वन प्लस नाइन पच्चीस, ये क्या हो गया अंडर रूट 35। अब हमको तीनों लेंथ मिल गया ए बी बी सी सी ए। अब अगर ये हमारा जो बड़ी भुजा होगी इसका स्क्वायर अगले दोनों भुजाओं के स्क्वायर, ए बी हमारा कितना है अंडर रूट 41, बी सी हमारा आया है अंडर रूट 6 और ये हमारा आया है अंडर रूट 35। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन हुई ए बी, तो ए बी का वर्ग हम लोग करें ए बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 41, और बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 35 का स्क्वायर, तो ये 6 प्लस 35 ये 41। तो ये देखिए हमारा जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो अगले दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसीलिए हमारा ये समकोण त्रिभुज में यही तो होता है पाइथागोरस पर में, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण है, क्योंकि अगर त्रिभुज समकोण होता है तो इसमें बड़ी भुजा का वर्ग इसका ये होता है, अगर ये है तो त्रिभुज समकोण होगा, तो ये हमारा हो गया। तो इसमें सिंपल सा था हम लोगों का जो ये
किसी भी बिंदु के स्थिर सदिश दिए हैं ए बी सी के, तो हम ए बी सी हमने बना लिया, और कोई बिंदु ओ होगा जिसके सापेक्ष इनके स्थिर सदिश दिए होंगे, तो इसे हम लोग ए बी बी सी और सी ए वेक्टर निकाल लेंगे, और ए बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, बी सी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, सी ए हमारा हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी। और एक बार जब ए बी बी सी सी ए वेक्टर पता चल गया, तो ए बी लेंथ हमारा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बी सी लेंथ हमारा बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी ए लेंथ हमारा सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो इसमें जो है बड़ी भुजा का वर्ग बराबर लंब एक दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे।